और अगर आप फोकस रहेंगे तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा ये 1 आवर के अंदर अंदर हम कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल आप फोकस रहिएगा। और जो है इस लिंक को आपको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, ताकि जो है सबको फ़ायदा मिल सके, सबको सम्मिलित रूप से फ़ायदा मिल सके। बिकॉज़ जो है आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है, तो सारे स्टूडेंट जो है एक दूसरे को फ़ायदा करें, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए हम सबको, तभी जो है हम अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे इस वर्स्ट सिचुएशन में भी। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ निशांत माही, कनिका प्रिंस और शुभम, प्रिया वर्मा, काफ़ी काफ़ी लोग जो है काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सबका स्वागत है इस अनएकेडमी सेपियंस के ऊपर। एंड हेलो हाय सबको, हेलो हाय। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और फिर हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। ओके, एवरी थिंग सोनल, अनिकेत, एम के, दीपेंदु, ओके ग्रेट, जोम्बा, दीप्ति, युक्ता, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। तो डाइजेशन बेसिकली क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी लार्ज होता है, और ऑब्वियसली बात है वो सोल्युबल नहीं होता है। अगर इसको हम छोटे चीज़ में तोड़ दें, लार्जर को अगर हम स्मॉल बना दें, कॉम्प्लेक्स को अगर सिंपल बना दें, और इनसॉल्युबल को अगर सॉल्युबल बना दें, तो दैट्स कॉल्ड डाइजेशन। बट विदाउट हेल्प ऑफ एंजाइम यू कैनॉट अप्रिसिएट द डाइजेशन। बिना डाइजेशन का, बिना एंजाइम के डाइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना एंजाइम के डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको जो है एंजाइम की सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल फोकस रहिएगा, और फोकस रहेंगे तो हम जो है 1 घंटे के अंदर में पूरे डाइजेशन को कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। सो डाइजेशन जो होता है, डाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि फूड वैक्यूज आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। फूड वैक्यूज जो होते हैं सेल के अंदर बनते हैं, और एक ही पॉइंट होता है जिससे जो है खाना अंदर आता है और खाना बाहर जाता है। तो एक ही पॉइंट होता है, खाना अंदर आएगा और उसी पॉइंट से बाहर जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। प्रोटोजोअन, पॉरीफेरा इस टाइप के एग्जाम्पल है। जबकि हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि देयर इज़ अ सेपरेट ओपनिंग। खाना जो एंटर होगा वो सेपरेट ओपनिंग से होगा, और फिर खाना जो है सेपरेट ओपनिंग से बाहर चला जाएगा। सो एंजाइम आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। एंजाइम जो होते हैं आउटसाइड द सेल सिक्रीट होते हैं, और सिलिंड्रेटा ऑनवर्ड इसके एग्जाम्पल हैं, सिलिंड्रेटा ऑनवर्ड इसके एग्जाम्पल हैं। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम चर्चा करेंगे, माउथ से लेके एनस तक हर एक पार्ट को पढ़ेंगे, हर एक पार्ट में देखेंगे कि उसके अंदर क्या डाइजेशन हो रहा है, क्या कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो दिस होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द माउथ। पहला चीज़ जो है वो माउथ है, राइट? तो माउथ होता है, फिर उसके बाद माउथ के अंदर आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड होगा, टीथ होगा, टंग होगा, और स्टमक। माउथ जैसे ख़त्म होगा तो यहाँ पे स्टमक होगा, ठीक है, स्टमक होगा। फिर स्टमक के बाद आपको पता है कि या माउथ के बाद खैर इसोफेगस एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड होगा, इसोफेगस, देन स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन यहाँ पे होगा, और फिर उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टिन के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, ड्यूडिनम, जेजुनम, ईलियम। दीदी, जीजा और मैं, आप सबको ये निमोनिक पता है। और लार्ज इंटेस्टिन होगा, लार्ज इंटेस्टिन के सीकम, कोलोन और रेक्टम पार्ट होते हैं, और एनस। इसके बारे में हम पूरे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए माउथ के बारे में पढ़ते हैं कि माउथ के अंदर क्या चीज़ होता है, किस चीज़ का डाइजेशन होता है, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल फोकस रहिएगा 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर पूरे डाइजेशन को निपटाएंगे हम लोग। तो माउथ के अंदर आपको पता है लिप्स होता है, टीथ होता है, टंग होता है, और सलाइवरी ग्लैंड होता है। ये माउथ के अंदर पाए जाने वाली चीज़ें होती हैं। आइए लिप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लिप्स जो होता है दे आर मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल, एंड दिस मसल इज कॉल्ड ऑर्बिकुलारिस ऑरिस मसल्स। दे अपीयर अ पिंक, और लिप्स जो होते हैं ऑलमोस्ट पिंक कलर के होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द
यहाँ पे वेन और आर्टरी का संगम होता है एंड दिस संगम इज कॉल्ड एनास्थमोसिस. इट इज़ अ मेडिकल टर्म. जब आप MBBS करेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे आप. तो दिस इज कॉल आर्ट्रियो वेनस एनास्थमोसिस. द आर्ट्री और वेन दैट्स कम्बाइंड ओवर हियर एंड देयर फोर द देयर इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. देयर फोर इट अपीयर अ पिंक. जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनका लिप्स जो होता है पिंक नहीं हो पाता है बिकॉज जो वेनस कंप्रेशंस हो सकता है. सीवीसेस ग्लैंड इज प्रेजेंट आउटसाइड एंड द सेट ग्लैंड इज प्रेजेंट इनसाइड, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द लिप्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टीथ विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द नीट एंड द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी. ओरिजिन जो होता है इसका जो होता है एक्टोडर्म होता है एंड मीजोडर्म होता है. बट मेनली द मीजोडर्म इज अ ओरिजिन. मीजोडर्म का मतलब ये होता है कि मीजोडर्म से बने होते हैं. एक काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आपको पता है कि अनअकैडमी के ऊपर हर दिन मैं लाइव पढ़ाता हूँ, आप सब अवेयर होंगे. कल भी मेरी क्लास है अनअकैडमी के ऊपर सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे और शाम को जो क्लास होती है 8 बजे से लेके 9 बजे तक. ये अनअकैडमी के ऊपर नीट 2020 के लिए, फॉर नीट 2020 के लिए, नीट 2020 के लिए फ्री में क्लास चलती है. तो आप सबको आना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए. ये फ्री क्लास होती है और हमने डिसाइड किया है कि आपको फ्री में पढ़ाया जाए, नीट 2020 में बेहतर किया जाए. तो आप सबको क्या करना चाहिए कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये PM है. तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए. और जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप वहाँ पे सर्च कीजिए डॉक्टर एस के सिंह, और जैसे आप डॉक्टर एस के सिंह सर्च करेंगे वहाँ पे फॉलो कर दीजिए. और अगर आप नॉर्मली अलार्म भी लगा लेते हैं अपने घड़ी में तो आप जो हैं बेहतर कर सकते हैं. तो कल भी मेरी क्लास है 9-10 बजे से लेके 11 बजे सुबह सुबह, और कल ही के डेट में एक और भी क्लास है जो 8 बजे से 9 बजे होगा. ये फ्री स्पेशल क्लास होती है, नीट 2020 के लिए ऑलमोस्ट फ्री है. और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू भी कि आप अगर पूरी नीट 2020 तक मेरे इस सेशन में आएंगे, मैं दावे के साथ कहूँगा कि आप 320 प्लस बायो में लेके आएंगे. इस क्रैश कोर्स में हम पूरा का पूरा बायोलॉजी 11th और 12th क्लास का कंप्लीट करेंगे. पूरा ईच एंड एवरी चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे. तो ये यूट्यूब पे नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यूट्यूब पे होगा. कल स्टार्ट होगा, ये ऑलरेडी स्टार्टेड है. तो कल एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जो है कल आप आ सकते हैं. ठीक है, आप अलार्म लगा लीजिए अपने घड़ी में सुबह 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर. मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को. आपको देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस समय आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये दौर जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट दौर है और इसमें जो है हम सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट हमें करना चाहिए. तो एवरी डे मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा, एवरी डे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. एवरी डे क्लास होती है 10 बजे से 11 बजे सुबह और शाम और रात को 8 से 9 बजे. ठीक है, हमारा टारगेट जो है इस बार नीट में 320 मार्क्स लेके आने का. डेली क्लास होती है, एवरी डे क्लास होती है, तो आप आ सकते हैं. तो नीट 2020 के लिए ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है. और एक गुड न्यूज़ और भी है आप सबके लिए. गुड न्यूज़ ये भी है कि मैं आपको पता है कि मेरे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी के ऊपर. तो जो है अनअकैडमी के ऊपर बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो आप जो हैं मेरे बैचेस में पढ़ सकते हैं. तो इसमें आपको जो है आपको क्या इसमें फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में मैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूँगा. तो यहाँ पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी. आप यहाँ पे देखिए, और दे गेट डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस. डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आप फिजिक्स में बेहतर नहीं कर पाएंगे. देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आप जो हैं इसको जो है आप प्रमोट कर रहे हैं. प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँ. एक MBBS मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर
आपको जो है अच्छा गाइडेंस ही देगा और कुछ नहीं देगा। जो लोग जो स्टूडेंट अभी अभी 11th में आए हैं, जो स्टूडेंट अभी अभी 11th से 12th में आए हैं और जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है 12th का और वो सोच रहे हैं कि इस बार नीट 2021 को एक बेहतर तरीके से किया जाए, तो उनको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर आप मान लीजिए, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, गेट डिटेल परफॉर्मेंस एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें आपको वीकली टेस्ट रहते हैं, वीकली टेस्ट देना होता है, उसमें वहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस होता है कि आपने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, बायो में कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, राइट। अनलिमिटेड एसेस ऑफ ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो। अगर किसी भी वजह से आप जो हैं क्लास को छूट जाती है आपकी, अगर आपकी तबीयत खराब है या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके सारे के सारे जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में सारा का सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के फॉर्म में सारा का सारा मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है चैट विद आर एजुकेटर, हमारे से आपको बात करने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी मेरा एक बैच रनिंग है, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, एसेंट ऑफ क्लास 12th नीट 2021, दिस इज़ अ बैच इज़ रनिंग। और अभी जस्ट कल या परसों से मेरा जो है 11th का भी बैच आने वाला है, और बस बहुत ही जल्दी जो है हम ड्रॉप आउट के बैचेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी टॉप मोस्ट एजुकेटर जुड़े रहते हैं और बैचेस बिल्कुल रनिंग रहता है, और आप बिल्कुल देर मत कीजिए, ये सही समय है, बिकॉज़ कोरोना है तो इसके वजह से फीस वगैरह सस्ता भी है। तो आपको जो है ये रेफरल कोड को यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर एस के सिंह, जो हर वर्ड कैपिटल लेटर है विदाउट एनी गैप। तो हर वर्ड जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर है विदाउट एनी गैप, और 12 महीने का जो फीस है, पूरे एक साल का जो फीस है वो 30,000 है, बट इस रेफरल कोड को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपको जो है 25-26 हज़ार के आसपास करेगा। 24 मंथ का, पूरे 2 साल का फीस 36,000 रुपये, जो काफ़ी कम है। कैसे इसे जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे बटन दबाना है, और 24 महीने 12 महीने सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे आगे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेफरल कोड। यहाँ रेफरल कोड में आपको डॉक्टर एस के सिंह ही डालना चाहिए, जो हर चीज़ कैपिटल लेटर हो विदाउट एनी गैप, और इसे अप्लाई पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फीस काफ़ी सस्ता हो जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट्स है, क्रेडिट लिमिट्स को भी आप यूज़ करके प्रोसीड पेमेंट एटीएम कार्ड से प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर इन्फॉर्मेशन, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आप सबको जो है अच्छे से इस रेफरल कोड को जरूर लिखना चाहिए, ऑल कैपिटल विदाउट गैप। तो इससे करेंगे तो आपके फीस जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी, और आपको जो है एक बेहतर चीज़ों में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। चलिए हम टीथ के बारे में आ जाते हैं। अच्छा, एक बार मैसेज कर दो, डॉक्टर एस के सिंह, दैट्स ग्रेट, खुशी ने अच्छा लिखा है, ग्रेट। बिल्कुल अंसारी जी, पढ़ाने के लिए ही आया हूँ, बट पढ़ाने के अलावा एक अच्छा गाइडेंस सबके लिए ज़रूरी है, और नीट 2020 के लिए तो ऑलमोस्ट फ्री है, बट नीट 2021 के लिए तो आपको इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। चलिए तीत के बारे में बात करते हैं। तो गम्फोसिस से काफ़ी क्वेश्चन आया है। गम्फोसिस का मतलब ये होता है कि जब दांत जो है इम्बेडेड होता है, द दांत जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसको हम गम्फोसिस कहते हैं। गम्फोसिस का मतलब जो दांत है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड गम्फोसिस। और ये ऐसा जॉइंट है जो कि मूव नहीं करता है, ये कभी भी मूव नहीं करता है, ठीक है, मूव नहीं करता है। तो दे कंसिडर द थीकोडोंट टीथ। पार्ट ऑफ टीथ के बारे में बात करें तो द क्राउन पार्ट, नेक पार्ट, रूट पार्ट, ये बेसिकली पार्ट हैं हमारे दांत के। तो जो जब हम हंसते हैं तो जो पार्ट हमें दिखाई देता है, विच इज़ अ एक्सपोज पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड क्राउन, और जो हमें दिखाई नहीं देता, मसूड़े वगैरह होते हैं, दे आर कॉल्ड नेक और रूट। ये वाली स्लाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हुए हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, और इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये दांत के ऊपर एक एडिशनल लेयर
होती है उसे हम एनेमल कहते हैं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड दिस एनेमल इज सिक्रेटेड बाय द अमीलो ब्लास्ट सेल। तो इसको एटलीस्ट इस सेशन के लिए जरूर याद रखें कि अमीलो ब्लास्ट सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि एनेमल सिक्रीट करता है, जो दांत के ऊपर एक जो है लेयर होता है, राइट, जैसे क्राउन होता है ना, जो एक्सपोज पार्ट होता है, और नेक और रूट तो होता ही है, तो उसके ऊपर एनेमल भी कवरिंग होता है जो अमाइलो ब्लास्ट सेल सिक्रीट करता है। नीचे की तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि दांत के अंदर जो है एक पल्प कैविटी होता है, इसे हम पल्प कैविटी बोलते हैं, और इस पल्प कैविटी में बहुत सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स जाते हैं, और इस पल्प कैविटी के आउटर साइड को देखेंगे तो देयर इज अ सेल विच इज कॉल्ड सीमेंटो ब्लास्ट सेल, और ये सीमेंट सिक्रीट करता है। सीमेंट का मतलब है कि उसको फिक्सिटी प्रोवाइड करेगा, फिक्स रखेगा। और ओडोंटो ब्लास्ट सेल होता है जो डेंटाइन सिक्रीट करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस जिस ओपनिंग से ब्लड वेसल्स और जिस ओपनिंग से नर्व्स जाती है, उस ओपनिंग को हम एपाइकल फोरामेन कहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये एपाइकल फोरामेन थ्रू आउट लाइफ जो है ओपन रहता है, जिनसे दांत टूट जाने पे भी दांत फिर से आ सकता है, जैसे रोडेंट एनिमल्स में होता है। तो पल्प कैविटी इज फाउंड इन द रूट रीजन विच इज अलाइन बाय द टू टाइप ऑफ सेल, ओडोंटो ब्लास्ट सेल एज वी सीन इन अ डायग्राम विच सिक्रीट अ डेंटाइन। तो ओडोंटो ब्लास्ट सेल सिक्रीट अ डेंटाइन, सीमेंटोसाइट सेल दे सिक्रीट अ सीमेंट विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ द रूट, फिक्स करता है रूट को। और परसिस्टेंट पल्प कैविटी के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड ओपन रूट सिस्टम। तो दिस पल्प कैविटी हैज अ ओपनिंग कॉल्ड अपाइकल फोरामेन, जिसके थ्रू ब्लड नर्व्स अंदर दांत के अंदर जाती हैं और दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो जनरली इट इज ब्लॉक आफ्टर द अटेनिंग द मैच्योरिटी एंड रिमेन ओपन इन सम एनिमल्स, देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ टीथ इज कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ टाइम। उनका दांत टूट भी जाता है तो दांत हमेशा ग्रो करता है। इंसाइजर ऑफ रैट एंड रैबिट एंड टक्स ऑफ द एलिफेंट इज एग्जाम्पल इन विच द ओपन रूट ओपन पल्प कैविटी इज देयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंटाइन। डेंटाइन एज वी नो दैट इट इज़ अ मेसोडर्मल, और करीब इसमें 69% इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, कोई भी चीज़ हार्ड तभी होता है जब उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर ज़्यादा अगर हो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो तो हार्डनेस करता है। तो इट इज़ द सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इनेमल एज यू नो अमाइलो ब्लास्ट सेल सिक्रीट करते हैं, जो कि इसमें करीब 96% ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, देयरफॉर इट इज़ द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? एनेमल है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा डेंटाइन है। और तीसरा कोई बता सकता है? तीसरा आप कमेंट करके बता सकते हैं, तीसरा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी का क्या है? तीसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी का क्या है? तो यस, इट इज़ अ बोन। तो तीसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हो हमारे बॉडी का बोन है। आइए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ की। तो कनाइन नहीं होता है भाई, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ इज एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब है कि दांत जो है सुपरफिशियली अटैच रहेगा जॉ के ऊपर। तो टीथ इज सुपरफिशियली प्लेस ऑन द जॉ, एग्जाम्पल द शार्क, एम्फीबियन, रूटलेस टीथ। और प्लूरोडोंट जो होते हैं, टीथ जो होता है लेटरली अटैच रहता है। टीथ आर लेटरली अटैच टू द जॉ बोन। टीथ अगर लेटरली अटैच रहेगा तो उसे जॉ प्लूरोडोंट बोलते हैं। लिजर्ड एंड फैंग ऑफ स्नैक। और थीकोडोंट एज यू नो कि दांत जो है अच्छे तरीके से एम्बेडेड हो, मसूड़े में अच्छे तरीके से धंसा हुआ हो, उसे हम थीकोडोंट कहते हैं। हमारे अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर ऐसे दांत रिपोर्टेड हैं। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक दांत होता है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, होमो का मतलब होता है सेम। अगर माउथ के अंदर सिमिलर टाइप के अगर दांत हो तो उसको हम होमोडोंट कहते हैं। शार्क के अंदर यूजली रिपोर्टेड है, राइट? अगर मुंह के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दांत हो तो दे आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, तो दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। तो आपको पता है कि हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ अवेलेबल होते हैं। द फर्स्ट इज इंसाइजर। फर्स्ट जो होता है इंसाइजर होता है। इंसाइजर में आप देखेंगे तो दे हैव अ फ्लैट सर्फेस। जो आगे का होता है वो फ्लैट सर्फेस होता है, आगे वाला जो होता है फ्लैट सर्फेस होता है। दे हैव अ नो एनी कप्स। कप्स नहीं होता। कप्स का मतलब होता है दांत में आप बारीकी से देखेंगे तो थोड़ा सा
गड्ढा टाइप का होता है, थोड़ा सा ग्रूव टाइप का होता है, इसमें कोई भी ग्रूव और कप्स नहीं देखेगा। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कटिंग पार्ट, काटने में मदद करता है। एप्पल को काटते हो आप तो काटने को मदद करता है, राइट। फोरामेन सीकम क्या होता है आगे पता चलेगा जब मैं टंग पढ़ाऊंगा। तो कैनाइन जो होता है पॉइंटेड पार्ट होता है जो कि चीड़ने और फाड़ने में मदद करता है। प्री मोलर जो होते हैं इसके ऊपर कप्स होते हैं और दो कप्स होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड होता है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में मदद करता है। और मोलर की अगर हम बात करें तो ये ट्राइकस्पिड है, तीन कप्स होते हैं और मास्टिकेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद करता है, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। तो डेंटल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट टाइप नंबर ऑफ टीथ फाउंड इन द अपर एंड लोअर जॉ हाफ। तो कितने दांत ऊपर हैं और कितने दांत नीचे हैं और उनका कैसा अरेंजमेंट है, किस टाइप के हैं, उसको हम डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है आप सबको? फ्री वाली क्लास आज नहीं थी, कल सुबह 10 बजे होगी और कल शाम को 8 बजे होगी। और रोज़ ही इवन एवरी डे जो है क्लास होती है, मतलब सुबह 10 से 11 और AM और 8 से 9 PM। सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट। कुछ भी डाउट हो तो बीच में आपको मौका दूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट पूछ लीजिएगा। तो इंसाइजर कनाइन प्री मोलर एंड मोलर, इंसाइजर कनाइन प्री मोलर एंड मोलर डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल फॉर्मूला। ओके, अब हम बात करते हैं कि दो टाइप का मिल्क सेट होता है। वन इज कॉल्ड मिल्क टीथ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेट, 2102 डिवाइडेड बाई 2102 इंटू 2। तो ऊपर 10 नीचे 10, टोटल 20 दांत जो होते हैं छोटे बच्चों में रिपोर्टेड होते हैं, राइट। तो प्री मोलर बेसिकली एबसेंट, यहाँ पे 0 इंडिकेट कर रहा है कि प्री मोलर यहाँ पे एबसेंट है। परमानेंट टीथ तो और सेकेंडरी सेट देते हैं, जो एक बार प्राइमरी सेट टूट जाता है तो सेकेंडरी सेट आता है। तो 2123 डिवाइडेड बाई 2123 इंटू 2, ठीक है। तो ऊपर 16 और नीचे 16, टोटल 32 सेल, टोटल 32 सेट देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशनल फीचर है कि प्री मोलर इज एबसेंट इन मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में प्री मोलर एबसेंट होता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सर मोदी जी वहाँ एड्रेस एड्रेस देख रहा था। हाँ, मोदी जी जो बताएंगे वही नीट में आएगा, डॉक्टर एस के सिंह जो बताएंगे वो नीट में नहीं आएगा। अभी इस समय आपको ज़रूरत है सेफ रहने की, और इस समय आपको ज़रूरत है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम के लिए करने के लिए। चलिए, फर्स्ट टीथ इज अपियर सेंट्रल इंसाइजर, फर्स्ट टीथ इज अपियर इज सेंट्रल इंसाइजर। निशांत शर्मा जी थैंक यू सो मच। लोफोडोंट क्या होता है, सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा, डाइजेशन का एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, लोफोडोंट हो, प्लूरोडोंट हो या कोई भी डोंट हो। फर्स्ट टीथ टू अपियर इज सेंट्रल इंसाइजर, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं द लास्ट टीथ अपियर इज मोलर, लास्ट टीथ इज अपियर इज मोलर, राइट। अब कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखना चाहिए। पिग, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, डंकी, 3143 डिवाइडेड बाई 3143 इंटू 2, दैट इज 44 नंबर ऑफ टीथ होते हैं। काउ ऑफ फेलोशिप गोट, 0033 डिवाइडेड बाई 3133 इंटू 2, दैट इज 32। दिस इज अ डेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। कुछ टर्म्स दांत के लिए एसोसिएटेड है, वन इज कॉल्ड बूनोडोंट, ये इंपॉर्टेंट है, जिनके स्मॉल कप्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे कप्स होते हैं, उनको जो है बूनोडोंट बोला जाता है। और ह्यूमन बींग ऐसे एग्जाम्पल है, एप और मंकी इसके एग्जाम्पल है। सीकोडोंट, दे हैव अ पॉइंटेड कप्स, पॉइंटेड नुकीले कप्स होते हैं, कार्निवोरस इसके एग्जाम्पल हैं। ब्रेडीडोंट, क्राउन पार्ट बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एंड लोफोडोंट, कौन पूछ रहा था, लोफोडोंट दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्री मोलर एंड मोलर, मोलर और प्री मोलर का मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं लोफोडोंट। अब आइए कुछ दांत से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं। पायोरिया का मतलब होता है वाइट, पायो का मतलब होता है वाइट, रिया का मतलब होता है डिस्चार्ज। द वाइट डिस्चार्ज और ब्लीडिंग कम
एंड द कॉस्टी वेजन इज ट्राइकोनोमास ट्रेनिक्स एंड बैकलिस. एक और बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिस. देयर इज अ मोल्टिंग ऑफ एनेमल. एनेमल जो होता है आउटर लेयर होता है, और आउटर लेयर होता है तो एनेमल जो होता है देयर सर इसको आप अनएकेडमी में भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, शांति से पढ़ लो, सब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा रुस्तम जी. सो मोल्टिंग ऑफ एनेमल इज ड्यू टू द एक्सेस फ्लोरीन इन द वाटर. अगर आपके पानी में, अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरीन है तो जो है आपके एनेमल सड़ने लगेंगे, इसी को हम फ्लोरोसिस कहते हैं. तो हमने पूरा का पूरा आज अभी दांत के बारे में डिस्कस किया. आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा. आइए कुछ दांत से संबंधित MCQ करते हैं जो नीट में पूछे गए हैं और आप सबको इसका जवाब देना चाहिए. तो प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन इज डिफर फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप. नीट में आया वो क्वेश्चन है और आई होप कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि प्री मोलर एक ऐसा दांत है जो कि नहीं होता है. मैं देख पा रहा हूँ कविता, जुबैन, साक्षी, कृति, अनुराज, धीरज, महवीश, हर्ष, कुमारी, राधिका, साक्षी, अनुप्रिया, अमृत, आर के. ओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट. नीलोफर, निशांत, ज्योति, अनुपम, इनोसेंट. ओ भाई इनोसेंट, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, ये देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटेशन. इसका बताइए, ए, सी, बी और डी. तो माही, सूरज, कृति, वीरेंद्र, दीपेंदु. ग्रेट. आयशा, नयन, अभिषेक, पप्पू. 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3. बच्चा बच्चा सब जानता है कि दांत का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है, तो दांत का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है कि ये होता है ना. तो दांत का फॉर्मूला किसको याद नहीं है. नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी नीट में आया वो क्वेश्चन है. द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट अ एनेमल. ऑस्टियोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, एमीलोब्लास्ट. यस प्लीज, क्या इसका आंसर होगा. सोमया, प्रवीण, जूस, ओके, कविता, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया. तो अमीलोब्लास्ट इज अ आंसर. अमीलोब्लास्ट इज अ आंसर, राइट. अमीलोब्लास्ट इज आंसर. तो अमीलोब्लास्ट जो है आंसर है. ग्रेट. तो अमीलोब्लास्ट जो है इसका आंसर है. तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आइए हम दांत के, दांत तो हमने पढ़ लिया, अब हम टंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि टंग क्या है और कैसे काम करता है. तो मज़ा आ रहा है. हमने दांत पढ़ा, दांत के अंदर सारा चीज़ पढ़ा, कुछ MCQ किया. ऐसे हर एक पार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर एक पार्ट में देखेंगे कि किसका डाइजेशन हो रहा है, किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे रिलेटेड नीट में कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे के सारे हम चर्चा करेंगे. बने रहिए आधा घंटा और आधा घंटे में समाप्ति करेंगे इस चैप्टर को. टंग का जो ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल होता है एंड इट इज़ अ फ्री एट इंटीरियर साइड. आगे की साइड फ्री रहता है बट इट फिक्स ऑन द पोस्टीरियर साइड. पीछे के साइड फिक्स रहता है. दे अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी दैट इज कॉल्ड फेनरम. फेनरम जो होता है उससे अटैच रहता है. फ्रॉग में आप देखेंगे तो थोड़ा उल्टा होता है, आगे के साइड फिक्स रहता है और पीछे के साइड फ्री रहता है. तो पीछे वाला जो टंग होता है आगे की तरफ फेंकता है और बहुत सारे इंसेक्ट को पकड़ के अपने मुंह के अंदर खींच लेता है. तो इन फ्रॉग द टंग इज अटैच टू द इंटीरियर साइड एंड इट हेल्प इन कैचिंग द इंसेक्ट. तो कैचिंग ऑफ इंसेक्ट के लिए जाना जाते हैं. आइए कुछ टंग के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में रूबरू होते हैं. पूरे हमारे जो टंग होते हैं दो हिस्सों में डिवाइड होता है. आगे वाला जो हिस्सा होता है जो हमारे माउथ के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड ओरल पार्ट, और जो फेरिंग्स जो पीछे के समय होता है दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट. तो जो टंग होता है, टंग के दो पार्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड ओरल एंड अदर इज कॉल्ड फेरेंजियल पार्ट. ओरल पार्ट में बहुत सारे आपको टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे बट फेरेंजियल पार्ट में आपको टेस्ट बर्ड देखने को यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे टिप के बारे में अगर हम बात करें तो टिप में जो होता है फंगी फॉर्म पैपिला होता है. फंगी फॉर्म पैपिला होता है जो काफ़ी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं. और सेंटर में अगर हम बात करें तो दे हैव अ फिली फॉर्म पैपिला. और उसके पीछे जाएं तो आपको इन्वर्टेड यू शेप और वी शेप मिलता है दैट इज कॉल्ड सरकम वैलेट पैपिला, राइट. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फॉलियस पैपिला होता है जो लीफ के तरह होता है, राइट. सो और किसी ने पूछा था कि वॉट इज़ अ फोरामन सीकम.
तो देखिए फोरामेन सीकम जो होता है एक छोटा सा ओपनिंग होता है और उसी ओपनिंग से टंग के अंदर जो है नर्व्स सप्लाई होती है, और टंग के अंदर जो नर्व सप्लाई होती है उस नर्व्स का नाम है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स। तो जो है गाइस वीडियो को लाइक कर दो, यस सारे लोग 200 लोग देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो एक बार। और कोई बता सकता है क्या कि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स का क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है? चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच दीपेंद्र। तो इसका जो नंबर होता है नाइन्थ नंबर होता है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व्स होता है। ग्लोसोफेरेंजियल इज अ नाइन्थ, 12th नहीं होता भाई, 10th तो वेगस होता है। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए, कभी किसी और दिन आपको ऐसे याद करने का फॉर्मूला बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस, इसे हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं, जो पूरे टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से को हम ओरल पार्ट कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं, और इससे जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर हम दांत टंग को अगर देखें तो छोटे छोटे आपके ऊपर डॉट नज़र आ रहे हैं, एंड दिस डॉट इज कॉल्ड पैपिला। पैपिला बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप आपको पिंपल कभी ना कभी हुआ होगा, तो पिंपल जो होता है आउटग्रोथ होता है, आउटग्रोथ एनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द बॉडी इट इज कॉल्ड पैपिला, और पिंपल इसी से डेराइव होता है। आइए बात करते हैं सरकम वैलेट पैपिला से, तो इट इज़ द लार्जेस्ट इन साइज। सरकम वैलेट पैपिला यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, करीब 8 से 12 इन नंबर होते हैं। दे आर अरेंज इन द वी और यू शेप स्ट्रक्चर, और इनमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। एक एबनर्स ग्लैंड होता है, दे प्रोड्यूस अ लिंगुअल लाइपेज एंड दे एमल्सिफाई द फैट विच इज़ फाउंड इन द डाइट, तो डाइट में जो भी फैट होता है उसे एम्प्लीफाई करने में मदद करते हैं। फॉलिएस पैपिला जो होते हैं दे आर वेस्टिजियल होते हैं, दे आर नॉट फंक्शनल बट दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी, और कोई भी टेस्ट बड यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता है। फिलिफॉर्म पैपिला दे अपियर इन वाइट, टेस्ट बड आर एबसेंट इन फिलिफॉर्म पैपिला, एंड फंगीफॉर्म पैपिला दे आर फाउंड इन द टिप, टेस्ट बड इज प्रेजेंट। तो कुछ टर्म्स के बारे में आइए बात करते हैं। एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एनकाइलोग्लोसिया। एनकाइलोग्लोसिया, एनकाइलोग्लोसिया का मतलब होता है दे हैव अ इमोबेबल टंग ड्यू टू द शॉर्ट स्ट्रक्चर। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर के वजह से जो है अगर दांत किसी भी जीभ जो है मूव ना कर पाए तो उसी को एनकाइलोग्लोसिया कहते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो एग्यूसिया का मतलब है कि अगर आप खाने के बाद टेस्ट को अप्रिसिएट ना कर पाए, टेस्ट को बता नहीं पाए, तो उस बीमारी को हम एग्यूसिया बोलते हैं। हाइपोग्यूसिया, लेस सेंसेशन, कोई सेंसेशन जीभ में आई ना। ग्लोसाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, दांत के ऊपर टंग के ऊपर इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। एक लिंगुअल वेन होता है जो टंग के नीचे से निकलती है, और जितने भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट होते हैं, जितने भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं, उनके टंग के नीचे सब लिंगुअल नाइट्रेट को डालते हैं ताकि जो है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए और उस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक से राहत मिल सके। चलिए बात करते हैं सेलेवरी ग्लैंड से, अभी हम माउथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इन वेल्स द सेलेवरी ग्लैंड इज एब्सेंट, वेल के अंदर जो है सेलेवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। करीब कैट के अंदर करीब 5 टाइप के सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के अंदर सेलेवरी ग्लैंड एब्सेंट होता है। पॉइजनस ग्लैंड, स्नेक में जो पॉइजनस ग्लैंड होता है, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लेवियल ग्लैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेवियल ग्लैंड इसका मॉडिफिकेशन होता है। सलेवरी ग्लैंड विच इज सिमिलर टू द पैरिटिड ग्लैंड, उनका पैरिटिड ग्लैंड है, तो उनके अंदर जो पॉइजन्स होते हैं उनके अंदर एंजाइम होता है, बेसिकली वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है बट हमारे लिए वो जहर की तरह काम करता है। आइए इस डायग्राम के बारे में समझते हैं, और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं कि जो है इसको एक सेकेंड दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, एक सेकेंड, ये देखिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो है फोरामेन
थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. यस, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा आपको ग्लैंड नज़र आ रहा है. दिस इज़ कॉल पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड. दिस इज़ कॉल पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड, राइट? तो पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है एक डक्ट में ओपन होता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं दे आर डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, ठीक है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको अवेयर होंगे. एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं. तो यहाँ से जो पाइप निकलती है उसे हम स्टिंसन्स डक्ट बोलते हैं. तो कैसे याद करेंगे? पैरेटिड ग्लैंड, पारो, ठीक है, शाहरुख खान, स्टिंसन्स डक्ट. यहाँ पे जो ग्लैंड होता है दैट इज़ कॉल्ड सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और इससे जो पाइप निकलता है उसे हम वॉटसन डक्ट बोलते हैं. यहाँ पे फोटो की वजह से नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, वॉटसन ग्लैंड, वॉटसन डक्ट, वॉटसन डक्ट होता है. और जीव के नीचे, सब का मतलब नीचे, लिंगुआ मतलब टंग, तो जीव के नीचे जो ग्लैंड होता है दैट इज़ कॉल्ड रिब, सब लिंगुअल ग्लैंड, और इससे जो पाइप निकलता है दैट इज़ कॉल्ड रिबनस. तो एक क्वेश्चन आया था कि वॉटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, तो वॉटसन डक्ट आप दिखाई दे रहा है, दे आर एसोसिएटेड विद द, वॉटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विद द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड. सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, काफ़ी आसान हो गया है. चलिए आगे बात करते हैं. ओके, आगे बात करते हैं. F11, 1 सेकेंड दीजिएगा. सो ओके, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? बताते दो. तो बात करते हैं पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड के. तो पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं. तो पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, इट इज़ सिचुएटेड बिलो द ईयर, ईयर के पीछे होता है. दे आर लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड होता है. और आपको पता है कि स्टिंसन्स डक्ट इससे निकलती हैं, विच इज़ द अपर मोलर. दे सिक्रीट अ सीरो म्यूकस, और इसमें एक बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड मम्स, राइट? मम्स. कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था, शायद ये नीट में इस बार NTA वाले पूछ गए. तो मम्स जो होता है, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे इस पर्सन के कान के नीचे थोड़ा सा स्वेलिंग नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ अ मम्स विच इज़ अ स्वेलिंग ऑफ द पैरेटिड ग्लैंड एंड इट इज़ ड्यू टू द पैरामिक्स ग्रुप ऑफ द वायरस. सो पैरामिक्स ग्रुप ऑफ द वायरस इज कॉज द मम्स. बात करते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के. तो दे आर सिचुएटेड और द जंक्शन ऑफ द मैंडिबल एंड मैक्सिला. वॉटसन डक्ट इससे निकलता है और सब लिंगुअल जो टंग के नीचे रहता है. तो दे आर सिचुएटेड बिलो द टंग. रिवनस डक्ट इज ओपन बिलो इट. रिवनस डक्ट इज ओपन बिलो इट. प्लस में पढ़ाया है, प्लस वाले स्टूडेंट का रिवीजन हो रहा है, ग्रेट. यही खास बात होती है प्लस लेने का, यही खास बात होती है प्लस लेने का, कि प्लस में तो कोर्स जो होता है काफ़ी अच्छे से एक्सेलरेट होता है. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि कोर्स जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है. कोर्स जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. और अगर आप 11th स्टडिंग में हैं तो आपको अभी ही प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए. अगर आप 12th स्टडिंग में हैं या 12th पास आउट हैं तो अभी एक फेवरेबल टाइम है जिसमें आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए और पूरे 2 साल के लिए. तो इसमें जो है पहला आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों ही जो है सही वक्त पे ख़त्म होगा. मतलब अगर आप 12th स्टडिंग है तो आपके बोर्ड से 3 से 4 महीने पहले ही सारा 12th का और 11th का ख़त्म हो जाएगा. 11th स्टडिंग है तब भी आपका ख़त्म होगा, और पास आउट है तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना. जब भी आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, तो मेरा एक रेफरल कोड होता है, और मेरा रेफरल कोड अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो 2 फ़ायदे होंगे, सिर्फ 2 ही. और ये 2 फ़ायदा सिर्फ 2 ही नहीं, बड़े बड़े फ़ायदे में कन्वर्ट करेगा. डॉक्टर SK सिंह ऐसे आपको डालना है, जो हर वर्ड कैपिटल है
ऑल कैपिटल विदाउट एनी गैप, विदाउट गैप। तो इसको अगर आप डालेंगे विदाउट एनी गैप तो क्या होगा कि आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा, एक फ़ायदा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा जो फ़ायदा काफ़ी अद्भुत है, दूसरा है चैट विथ मी, चैट विथ मी। इसमें क्या होता है कि ये ऑप्शन जो होता है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है आप होता क्या है कि बहुत प्रिपरेशन स्टेज के ऊपर जो है प्रिपरेशन स्टेज के ऊपर जो होता है बहुत सारे वो होते हैं, प्रॉब्लम होती हैं कि किसी स्टूडेंट का फिजिक्स कमज़ोर है, किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री है, किसी का बायो है। तो आपको जो है सही समय पे आपको गाइडेंस मिलेगा और दिस गाइडेंस जो है थ्रू आउट ईयर मिलेगा। और आप समझ सकते हैं MBBS फ्रॉम MMC आपको गाइड करे तो आप सीधा इसी कॉलेज में जाएंगे, ठीक है? तो आपको लेना चाहिए और आपको जो है इस रेफरल कोड को बहुत ही बारीकी से अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ऑल विल बी कैपिटल विदाउट एनी गैप। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं फिर से। तो हमने दांत का पूरा सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं सेलेवरी ग्लैंड जो होता है, सेलेवरी ग्लैंड जो होता है, सेलेवरी ग्लैंड जो होता है ये स्लाइवा सिक्रीट करता है अप्रॉक्स 1 to 2 liter पर डे एंड इट इज़ प्रमोटेड बाय द पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इसको प्रमोट करता है ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्लाइवा प्रोड्यूस कर सके। पीएच जो होता है 6.8 होता है, बेस्ट एक्शन एट द न्यूट्रल पीएच, बेस्ट एक्शन इज न्यूट्रल पीएच। एंड कंपोजिशन की बात करें स्लाइवा का तो दिस इज अ कंपोज ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक अ हैवी सॉल्ट ड्रग लाइक पेनिसिलिन। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो दे हैव अ लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, IgA। और एंजाइम की बात करें तो सेलेवरी अमाइलेज और टाइलिन। तो ये सारे इसके कंपोजिशंस हैं। अब हम बात करेंगे कि माउथ में खाने को हम बोलस बोलते हैं, माउथ में खाने को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। डाइजेशन इन माउथ के बारे में बात करते हैं कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो माउथ में जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है जिस चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्च। तो स्टार्च का डाइजेशन होगा टाइलिन और क्लोरीन आयन और पीएच 6.5 to 6.8, डेक्सट्रोज, माल्टोज, आइसो माल्टोज और ग्लूकोज बनाता है। स्मॉल ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब इनसाइड द माउथ थ्रू द ब्लड कैपिलरी। अब हम बात करते हैं, माउथ हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया, अब हम जानकारी लेंगे ईसोफेगस की कि ईसोफेगस क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ईसोफेगस जो होता है माउथ जहाँ से ख़त्म होता है और ईसो जहाँ पे स्टमक खुलता है उसी को ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं माउथ जहाँ से ख़त्म हो रहा है और स्टमक जहाँ से अराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड होल पार्ट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस में खास बात ये होती है कि ईसोफेगस का जो ऊपरी हिस्सा है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, निचला हिस्सा जो होता है रिलैक्स होता है। तो जो फूड होता है उसे हम बोलस बोलते हैं, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, फिर एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो आपने देखा होगा जो कीड़े मकोड़े चलते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो दिस इज़ अ वॉर्म लाइक मूवमेंट, कैसे होता है, दे आर कॉल्ड वॉर्म लाइक मूवमेंट। तो दिस इज कॉल्ड रिंग पैरास्टेल्सिस, रिंग पैरास्टेल्सिस कहते हैं इसे, रिंग पैरास्टेल्सिस कहते हैं, रिंग लाइक मूवमेंट होता है। तो ईसोफेगस इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द माउथ टू द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट इज अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर विच हेल्प इन कैरी द माउथ कैरी द फूड विच इज कॉल्ड बोलस इन टू द माउथ इन टू द स्टमक, राइट? तो पैरास्टेल्टिक एक्टिविटी यहाँ पे होता है, दैट पैरास्टेल्सिस इज इंपॉर्टेंट टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ताकि खाना जो है स्टमक के अंदर आ जाए। अब आइए हम स्टमक के बारे में जानकारी लेते हैं। स्टमक का दूसरा जो नाम होता है उसे हम गैस्टर बोलते हैं। स्टमक का जो शेप होता है जे शेप होता है और स्टमक जो होता है पूरे हमारे GIT में, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेबल पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंड वाला पार्ट होता है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दे आर डिवाइडेड इन टू द कार्डिक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पायलोरिक। ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये फंडस पार्ट है, बॉडी पार्ट है, पायलोरिक कैनाल है, तो इन सबों में ये डिवाइड हो जाता है।
कैपेसिटी की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो इसकी कैपेसिटी होती है करीब 1.5 to 1.7 liter होती है, एंड द फूड स्टे इन द स्टमक इज़ अप्रॉक्स 2.5 to 5 liter. फूड जो स्टोर होता है स्टमक के अंदर स्टे रहता है करीब 2.5 to 5 liter. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लीफ फर्स्ट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होता है स्टमक से बाहर निकल जाता है. उसके बाद प्रोटीन रिच फूड आता है, फिर फैट रिच फूड आता है. तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना चाहिए. स्टडी ऑफ स्टमक को हम गैस्ट्रोलॉजिक बोलते हैं, और स्टमक यूजली जो है लेबियो जो फिश में एबसेंट होता है, लैम्प्रे और हैग फिश में एबसेंट होता है. फंडिक पार्ट इज एबसेंट इन अ फ्रॉग, फ्रॉग में फंडिक पार्ट नहीं होता है. और कंपाउंड स्टमक जो होता है रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है. अब आपको कर्वेचर के बारे में जानकारी देते हैं, बट कर्वेचर के बारे में आपको जानकारी देने से पहले आपको थोड़ा सा एक डायग्रामिक एक्सप्रेशन देंगे कि डायग्राम इससे कैसे होता है. आपको पता है कि पूरा जो स्टमक होता है, ये मान लीजिए स्टमक है, और ये स्टमक जो होता है ऐसे अरेंज होता है. स्टमक पे यहाँ पे लिवर होता है, ये लिवर है, और ठीक इसके नीचे आप अप्रिसिएट करेंगे तो लार्ज इंटेस्टीन जो है सराउंडेड रहता है. दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. आप देखेंगे कि कर्वेचर, कर्वेचर अगर देखें आप तो ये वाला काफ़ी कम छोटा कर्वेचर है, तो दिस इज कॉल्ड लेजर कर्वेचर. और लेजर कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब घुमा हुआ पार्ट, कर्वेचर. और इसे हम ओमेंटम भी बोलते हैं, ओमेंटम भी बोलते हैं. तो लेजर कर्वेचर, एल फॉर द लेजर, एल फॉर द लीवर, दे आर एसोसिएटेड विद द लेजर. और देख रहे हैं बहुत बड़ा नीचे वाला एरिया तो काफ़ी बड़ा आपको नजर आ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, दे आर कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर. और ग्रेटर कर्वेचर और ग्रेटर जो है ओमेंटम इसे बोलते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द लार्ज इंटेस्टिन. तो दिस इज एसोसिएटेड विद द लार्ज इंटेस्टिन, ए लार्ज इंटेस्टिन से एसोसिएटेड रहता है. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है. तो ओमेंटम और कर्वेचर जो होता है, ग्रेटर कर्वेचर दे आर एसोसिएटेड विद द इंटेस्टिन, एंड वाई द लेजर कर्वेचर दे आर हेल्प इन अटैच विद द स्टमक टू द लिवर, स्टमक टू द लिवर, राइट. तो स्टमक टू द लिवर होता है. और पार्ट ऑफ स्टमक एज यू नो आप जानते ही हैं पार्ट ऑफ स्टमक के, तो पार्ट ऑफ स्टमक भी आपको अच्छे से आता है. तो पार्ट ऑफ स्टमक के बारे में आपको आता ही है. तो आइए इसके बारे में बात करते हैं आगे कि एंट्रम एक होता है. एंट्रम का एंट्रम में जी सेल होता है, एंट्रम में जी सेल होता है, एंड दिस जी सेल इज सिक्रीट अ गैस्ट्रिन हॉर्मोन विच स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस. आई हैव अ क्वेश्चन है नीट के अंदर, तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है. डी सेल जो होता है सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट करता है विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक रिलीज, तो गैस्ट्रिक रिलीज उससे ना हो तो वो डी सेल करता है. कुछ ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. द गैस्ट्रिक ग्लैंड और ग्लैंड इन द स्टमक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सेंट्रिक और ट्यूबुलर ग्लैंड, और दे हैव अ फोर टाइप ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द स्टमक. द फर्स्ट ग्लैंड इज कॉल्ड ऑक्सेंट्रिक सेल, ऑक्सेंट्रिक सेल का दूसरा नाम पराइटल सेल, एंड पराइटल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिलिक सेल. तीनों से क्वेश्चन आया हुआ है. दिस ऑक्सेंट्रिक सेल सिक्रीट अ एस सी एल एंड कैस्टल इंट्रेंसिक फैक्टर, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सी आई एफ. तो जो भी आप विटामिन B12 खाएंगे, सी आई एफ उसको पकड़ के और जाके स्मॉल इंटेस्टीन में एब्सॉर्ब कराएगा, राइट. खासकर ईलियम वगैरह में एब्सॉर्ब कराता है. And they are directly, indirectly take part in the formation of the blood that is called erythropoiesis. तो erythropoiesis के लिए विटामिन B12 का अहम रोल रहता है. और आपको पता है विटामिन B12, यस प्लीज़ बताएं, विटामिन B12 का richest source कौन सा होता है? What is the richest source of vitamin B12? Exactly question आया भी हुआ है. तो जितने भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन B12 देखने को मिलता है. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कर्ड में विटामिन B12 देखने को मिल सकता है. विटामिन B12 इज इम्पॉर्टेंट टू द कंडक्शन ऑफ द नर्व्स एज वेल, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC एज वेल. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चीफ सेल. चीफ सेल इज सिक्रीटर पेप्सिनोजन, प्रोरानिन और गैस्ट्रिक लाइपेज. पेप्सिनोजन इज इम्पॉर्टेंट टू डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोरानिन इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द इन्फेंट. जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये डाइजेशन करने में मदद करता है, राइट. उनमें डाइजेशन करने में मदद करता है. नेक्स्ट सेल के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट सेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस म्यूकस विच प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द डाइजेस्टर. आपको पता है कि स्टमक के अंदर जो होता है SCL बनता है, SCL होता है,
और SCL जो होता है एसिड होता है, तो ये एसिड जो है हमारे स्टमक को ख़राब कर सकता है, इसलिए जो है म्यूकस यहाँ सिक्रीट होता है कि जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है ताकि जो है स्टमक ख़राब ना हो जाए। आइए बात करते हैं सरफेस म्यूकस सेल से, तो दे आर प्रोड्यूस इन अ म्यूकस विच प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बिंग डाइजेस्टेड। फंक्शन ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम के बारे में बात करते हैं। तो पेप्सिन, आपको पता है कि पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव एंजाइम है, और इसको एक्टिव बनाता है हमारा SCL, और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन पेप्टोन एंड प्रोटीजन एंड पॉलीपेप्टाइड। रेनिन से काफ़ी क्वेश्चन आता है, इट कन्वर्ट मिल्क कैसिन इंटू द कैल्शियम एंड हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में बात करें तो दे आर हेल्पफुल इन ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स इंटू द ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड इन स्टमक मेनली द प्रोटीन एंड ओनली द ट्रेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हम बारे में बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरेथ्रोपाइसिस एस प्लीज, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और अभी अभी मैंने बताया है। तो यस द पराइटल सेल, बिकॉज दिस पराइटल सेल इज सिक्रीट अ कैस्ट्रल इंट्रेंसिक फैक्टर एंड दिस कैस्ट्रल इंट्रेंसिक फैक्टर इज एब्सॉर्ब विटामिन B12 एंड विटामिन B12 इज इन डायरेक्टली रोल इन एराइथ्रोपोइसिस। आंसर इज डी। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ SCL की। तो SCL जो होता है हमारे फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। दे कन्वर्ट पेप्सिनोजन विच इज़ अ इनएक्टिव फॉर्म इन टू द पेप्सिन एंड दे कन्वर्ट प्रो रैनिन इन टू द रैनिन। दे इंपॉर्टेंट फॉर द प्रो रैनिन इन टू द रैनिन। डाइजेशन इन साइड द स्टमक, मेनली द प्रोटीन एंड ओनली द ट्रेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड। और ये डाइजेशन की अगर हम बात करें स्टमक के अंदर, तो कुछ प्रोटीन और ट्रेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपने एंजाइम देगा, कुछ लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए आपने एंजाइम देगा। और इस स्टमक के अंदर क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगा, तो वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल इज टेक प्लेस। अब आइए कुछ बीमारी के बारे में बात करते हैं स्टमक की। तो द मोस्ट कॉमन डिजीज रिलेटेड टू स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस होता है, तो गैस्ट्राइटिस इज वॉट, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इट मे बी द सुपरफिशियल एंड हार्मलेस। सुपरफिशियल और हार्मलेस हो सकता है। इन सम केसेज इट मे बी द अक्यूट एंड सेवरल सीवियर केसेज मे बी द अल्सरेटिव। तो बेसिकली क्या होता है कि SCL का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो जो लेयर होता है, हालांकि स्टमक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ड्यूडनम के ऊपर तो म्यूकस का कोटिंग नहीं होता, तो ड्यूडनम के ऊपर जो होता है वो क्या करेगा, अल्सरेशन कॉज करेगा, मतलब उसको छीलना स्टार्ट करेगा। ईसोफेगस में भी अल्सरेशन कॉज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्सरेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड अल्सरेशन। एंड डाइट बेसिकली जो होता है, स्पाइसी अगर डाइट लेते हैं आप, अल्कोहल लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया के एक्सपोजर में अगर आप आ जाते हैं, एच पायलोरी बैक्टीरिया, दे कॉज द गैस्ट्राइटिस। अल्सर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इज एरिया विच द सुपरफिशियल स्कार ऑन द म्यूकोसा विच द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द गैस्ट्रिक जूस एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है तो खुद को प्रोटेक्ट करती है, और खुद को प्रोटेक्ट होने का तरीका ये होता है कि एक तो म्यूकस का सिक्रीशन रहता है, म्यूकस की लाइनिंग रहती है, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। दूसरा चीज़, देयर इज़ अ हाई ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। बट अगर आप जो है इसको तोड़ देंगे तो अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर किसी भी वजह से अगर स्टमक के अंदर कुछ ट्यूमर हो जाए, और आपको पता है कि ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर एंड अनदर इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर तो एक जगह लोकलाइज रहते हैं, दे आर नॉट कॉजेज मच हार्मफुल, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं थोड़े से जो है खतरनाक हो सकते हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि ये मैलिग्नेंट होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से और यहाँ से जो है स्टमक को हम बाहर निकाल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैस्ट्रेक्टमी। देखिए कैंसर से तो भयानक, कैंसर भयानक बीमारी है, तो कैंसर से
मरने से तो बच जाएगा वो पेशेंट, राइट, बट कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब स्टमक तो है ही नहीं, तो क्या होगा, क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि खाने के बाद जो है आपका पेट भर जाता है, ऐसा लगता है कि अब नहीं खाया जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि खाना यहाँ पे इकट्ठा रहेगा एंड दे हैव, अभी मैंने बताया कि जो स्टमक होता है कि दे आर अ मोस्ट एक्सपेंडेबल पार्ट, एक्सपेंड होगा तो यहाँ से टच रिसेप्टर्स होंगे और सीधा ब्रेन को मैसेज करेंगे और मैसेज के वजह से जो है ब्रेन जो है फर्दर इनटेक लेना बंद कर देगा। अब मान लीजिए स्टमक नहीं है तो ये स्ट्रेस रिसेप्टर नहीं है, स्ट्रेस रिसेप्टर नहीं है तो आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि खाना खाएंगे सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फटाफट जो खाना है वो ग्लूकोज में बढ़ेगा, तो यहाँ देखिए ग्लूकोज का लेवल जो है सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जब खाना खाएंगे तो आपको पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं पाएगा, तो इस सिनेरियो में आपको परनीसियस एनीमिया हो सकता है। तो ऐसी बीमारी सबको मिला के जो है हम डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं और इससे होने वाली बीमारी है। आइए कुछ MCQ इससे रिलेटेड करते हैं। इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरिड आउट, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है आपको देना चाहिए। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया सेजल, अरे सेजल आप भी आ गए, धीरज, कविता, गोविंद, ज्योति एंड धीरज, साक्षी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, इनोसेंट, प्रतिमा, इंदु, प्रिया, विकास, ज्योति, रोहित, साहिन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो लैनिन इज़ अ इम्पॉर्टेंट आंसर। नेक्स्ट, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 क्या होगा, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बताइए। माही, सर्वेश, पप्पू, सोनी, हिमांशी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। रिचेस्ट सोर्स जो होता है दैट इज़ अ गॉट लिवर एंड स्पायरुलिना, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ मैन जाइमोजन और चीफ सेल आर मेनली फाउंडेड, इनमें से कौन से फाइंड आउट होते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला आंसर है, दैट इज़ अ फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक, द फंडक्स पार्ट ऑफ स्टमक में जो है आपको चीफ सेल देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरा का पूरा जो है, हालांकि टाइटल में आप देख पा रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर पूरा डाइजेशन कंप्लीट करना, और मैंने 1 घंटा कंटिन्यूस कोशिश की है कि जितना से ज़्यादा आपको कवर अप करा पाऊँ, तो शायद अभी नहीं हुआ है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे ही इसको ख़त्म करेंगे और आई एम श्योर कि अब नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डाइजेशन ख़त्म होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे साथ जो है आप अनएकेडमी के ऊपर जो है फ्री में मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं डेली अनएकेडमी के ऊपर मैं फ्री में क्लास ले रहा हूँ, फ्री में क्लास होती है जो पर्टिकुलरली NEET 2020 के लिए है, तो डेली अनएकेडमी के ऊपर क्लास होती है, और जो टाइमिंग होता है उसका 10 से 11 बजे सुबह रहता है और शाम को जो है टाइमिंग रहता है 8 से 9 बजे, और आपको आना चाहिए। और इसमें कल हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जो प्लांट किंगडम, मोस्ट प्रॉब्ली प्लांट किंगडम से शुरुआत करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और आपको आना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज ये टोटली जो है फ्री है, एक भी आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इन दिनों कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, और हम सब जानते हैं कि हमें घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, ताकि हम नीट में बेहतर कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और इस कोरोना वायरस के वजह से उन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद हो गए, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिन्होंने इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। आपका भारतीय होने के नाते एक कर्तव्य बनता है, एक फ़र्ज बनता है कि आप तमाम स्टूडेंट को बताएं कि डेली मैं अनएकेडमी के ऊपर 10 से 11 बजे और शाम को 8 से 9 बजे फ्री में क्लास लेता हूं। इसके लिए आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि नीट 2020 में आप जो हैं 320 नंबर से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, और ये पॉसिबल है।
बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए डॉक्टर एस के सिंह, और जो है आप मेरे क्लास में अलार्म लगा के आ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अभी सही समय है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ जाएं। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और इस प्लस सब्सक्रिप्शन जो है 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ले सकते हैं, और इस प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें 11th क्लास और 12th क्लास दोनों ही कंप्लीट किया जाएगा, और जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक रेफरल कोड होता है, इस रेफरल कोड को आपको यूज़ करना चाहिए जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें, डॉक्टर एस के सिंह, हर वर्ड स्मॉल लेटर बिना किसी गैप के साथ, तो ऑल स्मॉल, ऑल कैपिटल सॉरी, ऑल कैपिटल विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और प्लस जो है आप मेरे साथ गाइडेंस में जुड़ सकते हैं। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और जो है खूब पढ़िए, और नीट आप ही का है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।